पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अशोक डिंडा पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। डिंडा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पर हमला करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमले में उनकी गाड़ी के पीछे के हिस्से के शीशे टूट गए। हमलावरों ने गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। हालांकि इस मामले में डिंडा बाल बाल बच गए। उधर घटना के बाद चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि डिंडा पर हुए हमले के सिलसिले में फौरन रिपोर्ट देने को कहा जाए।